नहीं, कैसे बनेंगे ट्यूटोरियल्स कैसे होंगे सारे काम इस फ्रैक्चर की वजह से बहुत मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है

ब्लेंडर ओपन करने के बाद मैं ए प्रेस करूंगा एक्स दबाऊंगा और सब कुछ डिलीट कर दूंगा तो पोकेबॉल की शेप बनाने के लिए हमें एक यूवी स्फीयर चाहिए होगा तो वो मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के मैच में जाके यूवी स्फीयर ऐड कर लूंगा उसके बाद मैं इसको शेड स्मूथ करूंगा शेड स्मूथ राइट क्लिक करके मॉडिफायर में जाऊंगा ऐड मॉडिफायर और सब डिविजन मॉडिफायर ये हमारा पहला मॉडिफायर हो गया उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊंगा और मैं थ्री प्रेस करूंगा नाउ यू कैन सी अब हमें सेंटर से सेलेक्ट करना है लेकिन जब मैं थ्री प्रेस करूंगा ऑल्ट दबाऊंगा और ये फेस सेलेक्ट करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूंगा तो ये नीचे से हो जाएगा लेकिन अगर मैं दोनों सेलेक्ट करूंगा तो ये बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएगा मतलब इट्स टू मच तो अभी मैं अंदर होल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊँ सो फॉर देट मैं टू प्रेस करूंगा ऑल्ट दबा के ये वाला एज सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल पी दबा दूंगा और इसे मैं हल्का सा बेवल कर दूंगा और यहाँ पर जाके इसकी थिकनेस में जीरो पॉइंट वन कर दूंगा आई गेस यप उसके बाद अब मैं इसे अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं छिड़ना क्योंकि हमने यहाँ से सर्कल बनाना है और सर्कल तो हमारा यहाँ पर है तो अब अगर मैं इसको फॉर एक्जाम्पल मैं आपके सामने कर लेता हूँ अगर मैं इसको उसको एक्सक्स पे 90 डिग्री रोटेट करूँ आप अभी ये ना करें ये वाला स्टेप तो अब हम यहाँ से फिर सर्कल तो एक्सट्रूड इन कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं वो अंदर होल बनाने के लिए मगर अब देखें साइड से तो नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ से शेप इस तरह की है सो फॉर दैट मैं क्या करूँगा कि इस फेस को तो ऐसे ही रखूंगा तो मैं टू प्रेस करूँगा फ्रंट व्यू में जाऊँगा इस तरह का कोई फेस सेलेक्ट करूँगा और मैं भी यस yes, तकरीबन इतना फिर मैं कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तकरीबन इतना जब सेलेक्ट हो गया मैं इसे सिलेक्ट ही रखूंगा मैं कंट्रोल दबा के बॉक्स सेलेक्ट करूंगा अंदर ताकि अंदर वाली सारा डिसलेक्ट हो जाए सिर्फ हमें आउटर वाला चाहिए लाइक दिस और अब मैं चाहता हूँ ये फेस सर्कल हो तो फॉर देट मैं एडिट में जाऊँगा प्रेफरेंसेज में जाऊँगा और एडोन्स में लूप टूल सर्च करूंगा और यहाँ पर आपने ये वाला ऑन इनेबल करके यहाँ सेफ प्रेफरेंसेस कर लेना है और उसके बाद इसको क्रॉस कर लेना है फिर राइट right क्लिक जब आप करेंगे तो सब डिवीजन मॉडिफायर सब डि सब डिवाइड के ऊपर लूप टूल्स का ऑप्शन आएगा जिसपे जब आप माउस होवर करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे लेकिन मैंने सेकेंड ऑप्शन जो कि सर्कल है जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो यू कैन सी ये सर्कल शेप में आ गया अब हमारी जियोमेट्री यहाँ से कुछ अजीब सी हो गया है बट नो वरी हमारा मैश खराब नहीं हुआ सो इट्स ओके सुनाओ अब थोड़ा सा एक और इशू आ गया है जो कि हमारी जो लाइन है उसके ये दो वर्टिसेस तेरे मेरे हो गए नो वरी हम अभी सही कर लेंगे लेकिन सबसे पहले मैं थ्री प्रेस करूंगा ये वाले फेसेस सेलेक्ट करूंगा डिलीट फेसेस लाइक दिस सो so, सबसे पहले तो मैं अपने सब डिविजन मॉडिफायर को अनेबल कर लेता हूँ ताकि अभी हमें एडिट मोड में इसका इफेक्ट नहीं चाहिए या फिलहाल इसे क्रॉस ही कर देते हैं सो आई एन प्रेस वन एंड मैं इसको इस वर्टीसी को और इस वर्टीसी को सिलेक्ट करूंगा और मैं डबल जी दबा के इसको डबल जी दबा के इसको मैं ऊपर स्लाइड करूँगा लाइक दिस मे बी समथिंग लाइक दिस उसके बाद मैं नीचे वाली दो वर्टीसीज को सेलेक्ट करूँगा डबल जी दबाऊँगा यानी जी को डबल बार क्लिक करूँगा और तकरीबन इतना नीचे कर लूँगा लाइक दिस ना हमारा प्रेस थ्री मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा ताकि हमारा एज लूप सेलेक्ट हो जाए उसके बाद मैं डिलीट फेसेस क्लिक कर लूँगा नाव यू कैन सी हमारा बेसिक मैच तैयार हो गया है मैं एडिट मोड में जाऊँगा एल प्रेस करूँगा ताकि हमारा ऊपर वाला फेस सेलेक्ट हो जाए मैं पी प्रेस करूंगा और सिलेक्शन दबा दूंगा लाइक दिस सो so नाउ अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा पहले ऊपर वाले को इसमें ऐड मॉडिफायर और सबसे पहला मॉडिफायर सब डिविजन मॉडिफायर जिसको हम टू वैल्यू कर लेंगे सब डिविजन मॉडिफायर के बाद मैं सल्यूडिफायर मॉडिफायर ऐड करूंगा और उसके बाद बेवल मॉडिफायर ऐड करूंगा तो सब डिविजन मॉडिफायर की वैल्यू हम कुछ कर लेते हैं जीरो पॉइंट ट्वेंटी और ये बहुत ज्यादा है ज़ीरो पॉइंट वन आई गैस यब इट्स बेटर एंड इट्स नाइस तो अब मैं बेबल मॉडिफायर में यहाँ इसकी अमाउंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव करूंगा और सेगमेंट्स फाइव करूँगा लाइक दिस इट्स लुकिंग गुड उसके बाद मैं इन्हें छोटा कर लूँगा लाइक दिस उसके बाद मैं पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको लेकिन मेक श्योर sure करना है कि आपके ये वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव आपको येलो ये कलर में कंट्रोल एल दबाऊंगा और हम लोग लिंक मॉडिफायर्स नहीं बल्कि हम लोग कॉपी मॉडिफायर्स करेंगे और ये देखें दोनों के मोडि इसके मॉडिफायर जो भी हमने ऐड किए थे वो इस पे भी कॉपी हो गए हैं तो अब मैं एक और यूवी स्र एड करूँगा शेयर स्मूथ करूँगा कंट्रोल टू दबाऊँगा यह है शॉर्ट कट सब डिवीजन मॉडिफायर डाले का कंट्रोल टू अगर ये कंट्रोल टू हमने दबाया तो यानी इसकी जो लेवल व्यू पोर्ट है ये इसकी टू हो जाएंगे लेकिन अगर हम कंट्रोल वन दबाएंगे तो वन लेवल व्यू पोर्ट ऐड होगा थ्री दबाएंगे तो थ्री लेकिन अभी हमें टू चाहिए सो मैं टू ऐड करूँगा इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसके बाद मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ

सिलेक्शन ताकि सेपरेट ऑब्जेक्ट हो जाए और इसको सिलेक्ट करूँगा पी सेलेक्शन उसके बाद मैं इसको एडिट मोड में लेके जाऊँगा और एक कर दूँगा लाइक दिस थोड़ा सा उसके बाद मैं कंट्रोल आर दबाऊँगा इसको एक लूप का डाइट करूँगा और इसको बेवल कर दूँगा बिल्कुल कॉर्नर तक ऑलमोस्ट यप इट्स लुकिंग गुड उसके बाद मैं टू प्रेस करूँगा शिफ्ट ऑल्ट दबा के ये दोनों एजेस सेलेक्ट करूंगा और स्केल डाउन करूंगा लाइक like दिस तो अब आप देख सकते हैं दरम्यान में एक होल सा बन गया है सो मैं फिर इसको क्लिक करूंगा ये होल हटाने के लिए और मैं एडिट मोड में जाऊंगा टू प्रेस करूंगा ऑल्ट दबा के पहले टू प्रेस करूंगा फिर ऑल्ट दबा के ये एल ग्रुप सेलेक्ट करूंगा और इसे स्केल डाउन कर दूंगा लाइक दिस सो नाउ हमारा होल जो है वो गायब हो गया है सो दैट्स नाइस तो अब हमने सारे मॉडिफायर्स अप्लाई करने हैं सो फॉर देट अब मैं बार बार यहाँ जाके इसको अप्लाई करूँ इस तरह फिर अप्लाई तो बहुत लंबा काम हो जाएगा तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जिस पर मैंने मॉडिफ़ायर्स ऐड किए हैं और कंट्रोल ए दबाऊँगा उस मॉडिफायर के ऊपर जिससे मैंने अप्लाई करना है लाइक दिस लाइक दिस कंट्रोल ए लाइक दिस एंड बाय द वे मैं जो भी प्रेस करूँगा वो यहाँ पर आपको शो होगा तो सो so अब हमारे सारे मॉडिफायर्स अप्लाई हो गए हैं सो दैट्स नाइस आप अप्लाई ना भी करें तो कोई मसला नहीं है मगर रेंडर अगर आपने अपना फास्ट करना है तो आपने सारे मॉडिफायर्स अप्लाई करने होंगे उसके बाद मैं एक शिफ्ट ए दबाऊंगा और एक एम टी एड करूँगा लाइक दिस ए प्रेस करूंगा और कंट्रोल पी दबाऊंगा और कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए जब हम एम टी को मूव करेंगे तो सारा कुछ मूव होगा सो so अब मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ शिफ्ट ए दबाऊंगा और एक प्लेन ऐड करूंगा इसे मैं ट्वेंटी एडिट मोड में जाऊंगा टू प्रेस करूंगा सुनाओ so अब मैं टू प्रेस करूंगा ये वाला से करूंगा और इसे एक्सट्रूड कर दूंगा Z -axis पे समथिंग लाइक दिस थोड़ा सा और ऊपर उसके बाद मैं इस एच को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल भी दबाऊंगा और छोटा सा बेवल कर दूंगा विद अलॉट ऑफ सेगमेंट्स बाई स्क्रोलिंग माई माउस व्हील अब मैं शेड स्मूथ करूंगा और एक कैमरा ऐड कर लूंगा लाइक like This, इस को आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हैं लेकिन मैंने जहां पर भी पोजिशन करना है मटीरियल एड करेंगे तो मैं मटीरियल व्यू पोर्ट में जाऊंगा यानी व्यू पोर्ट शेडिंग में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मटेरियल्स में जाऊँगा और नया मटेरियल ऐड करूँगा इसको मैं रेड कलर कर दूँगा मतलब इसकी वैल्यू मैं बढ़ा दूँगा सचोरेशन में इसकी जीरो पॉइंट नाइन फिफ्टी कर देता हूँ लाइक दिस उसके बाद मैं इसकी रफनेस ज़ीरो पॉइंट फोर कर देता हूँ और इसकी मटैलिकनेस भी ज़ीरो पॉइंट फोर कर देता हूँ सेम फॉर दी बॉटम बट हम इसे वाइट रखेंगे तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ये वाला मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ से इसे फुल वाइट कर देता हूँ लाइक दिस फिर अंदर जो हमारा स्फेर है इसे सेलेक्ट करूँगा न्यू और यहाँ से मैं इसे फुल ब्लैक कर दूँगा इसकी मटैरिकनेस को मैं ज़ीरो पॉइंट थ्री कर दूँगा और रफनेस को भी ज़ीरो पॉइंट थ्री कर दूँगा अब मैं इस पर आता हूँ और इसको भी मैं ब्लैक कलर देता हूँ मगर यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और हल्का सा ग्रेश कर दूंगा ऐसे लाइक जीरो पॉइंट फोर आई गेस ये ज्यादा वाइट हो गया तो मैं इसको जीरो पॉइंट थ्री ही करता हूं उसके बाद हम अपनी जो ये वाला है इस पे क्लिक करेंगे और इसको इमिशन मटेरियल देंगे तो यहां से मैं से इमेशन को फुल हाई कर दूंगा और स्ट्रेंथ में भी फाइव कर दूंगा और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ जीरो पॉइंट ये वाली वैल्यू आपने कर लेनी है ऊपर जाता हूँ यहाँ पर भी सेम वैल्यूज और मैं भी यहाँ से हम लोग इसे जीरो पॉइंट सिक्स फिफ्टी कर लेते हैं अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा डार्क ब्लू सा हो तो मैं यहाँ से भी जीरो पॉइंट सिक्स फिफ्टी कर लेता हूँ यब नो एट अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अपने पोकेमॉन को पॉकी बॉल को सॉरी और मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा शिफ्ट जी दबाऊँगा ताकि जी एक्सेस के अलावा बाकी एक्सेस पे जाए और मैं इसको तकरीबन आई गेस यहाँ पर नो ये बहुत दूर हो गया मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लूँगा और इसको रोटेट कर लूँगा समथिंग लाइक दिस और जो ये इसके एमडी को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट कर दूंगा इस पोकी बॉल की जो हमारी ब्लू लाइट है इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी मटेरियल करूंगा और यहाँ से जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो कर दूंगा और नीचे से भी जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो लाइक दिस तो अब मैं चाहता हूँ मेरा कैमरा थोड़ा सा और जूम इन हो जाए तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा और अब बिट। बैकवर्ड सेंड आप अपने कैमरा को अपनी मर्जी से पोजीशन कर सकते हैं अब मैं प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ न्यू मटेरियल लेता हूँ इसको भी ब्लैक कर देता हूँ इसकी मटेलिक ने जीरो पॉइंट और मटेलिक को भी 0.3 पॉइंट थ्री और रफनेस को भी 0.3 पॉइंट लाइक दिस मैं इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ इट्स बेटर इट्स नाइस तो आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं सो so, अब आप सेव करने से किसी भी नाम से मैंने पहले से सेव किया वैसे सो so, ना अब लाइटनिंग ऐड करेंगे तो आप पॉली से कोई सा भी एच ऐड कर सकते हैं लेकिन जो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए कर रहा हूँ और जो इस सीन के साथ सूट करेगी वो मैं आपको भी दिखाता हूँ इनवायरमेंट ओपन यहाँ से आपने कौन सा एच ऐड करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ वेरी सैड हाँ ये रहा और यहा से डांसिंग हॉल था दिस इज द वन सो ये आपने पॉली हवन में जाके डांसिंग हॉल सर्च करना और आपके पास आ जाएगा सो नाउ दिस इज नॉट वट वी वॉन्ट और पहले तो ये बहुत ही ब्राइट है तो मैं इसकी स्टूडेंट पॉइंट फाइव कर देता हूँ और ये ई है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे साइकिल्स में कर लेता हूँ और जीपीयू को सीपीयू में कर देता हूँ को जीपीयू में कर लेता हूँ सुनाओ so मैं डिनॉइजर को भी चेक कर लेता हूँ और मैक्स सैंपल्स को 120 कर लेता हूँ और इसको भी 120 कर लेता हूँ और नॉइस स्ट्रेचर को मैं पॉइंट कर लेता हूँ ताकि हमारा रेंडर फास्ट हो सुनाओ यू कैन सी आवर सीन इज लुकिंग वेरी गुड पहले मैं कैमरे को करता लाइक दिस like और इसमें मैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके अपने इसको इसको जो भी कहते हैं इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और डेप्थ ऑफ फील्ड को चेक कर लेता हूँ एस टॉप को मैं वन कर देता हूँ आई गेस गैस और डिस्टेंस को मैं फाइव कर देता हूँ और जो हमारा चेक है उसको मैं आई थिंक ये स्फियर कर लेता हूँ लाइक दिस अब थोड़ा बहुत आई नो के यहाँ पर फील नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा बहुत डेप्थ ऑफ फील्ड आया है अगर मैं इसको ऑन चेक करू यू कैन सी यहाँ पर ये यह शार्प हो गया लेकिन अब मैं चेक करूंगा तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए सो सो यस इट्स इट्स क्वाइट नाइस या लुकिंग गुड आपको EHDRI भी मिल जाएगा पॉली हेवन से hmm. अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं बट फॉर दिस ट्यूटोरियल दैट्स इट मैं आपको मिलता हूँ आउट्रो में सो इट्स मीन इट्स टाइम फॉर आउट्रो तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल आसान लगा होगा मजेदार लगा होगा इंटरटेनमेंट लगा होगा अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मैं उस कमेंट का कर रिप्लाई करूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज